मजा आया लूडो खेलने में। बिल्कुल सीधा आपको जन्नत रोड मिलेगी, वहाँ पे जन्नत रोड इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पाकिस्तान के अंदर यूटी ब्रांड है। फोटो कॉपीज करवाने हैं, नंबर कितने आएंगे? नंबर चेक करते हैं। हाँ वो तो मैं देखी थी आपकी वो यहाँ पे खड़े होके जाना। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक हो गया ना तो व्लॉग के अंदर। आज के व्लॉग में अभी बज रहे हैं 5, ठीक है। आज मैंने जाना है यूईटी ना, हमने कुछ अपने फॉर्म्स वगैरह सबमिट करवाने हैं तो इसलिए मैं हमने जाना पड़ेगा। टी आई क्लास फेलो है, ठीक है, उसके साथ जा रहे हैं। जब तो अभी मैं जाता हूँ, बस फजर की नमाज़ पढ़ते हैं और 6 बजे इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे। सो गाइस अभी हम लोग लाहौर में चुपटी उतर चुके हैं, ये हमारे साथ है बड्डी भाई। तो ये देखो गाड़ी आ रही है यार, ये है यार, ये क्या है? मकबरा है, कितना मकबरा है पता नहीं किसका मकबरा है। अभी हम लोग जा रहे हैं ओरिएंट ट्रेन पे बैठने हैं, ठीक है। मैंने आज तक ओरिएंट ट्रेन पे नहीं कभी सफ़र किया, पहले आज फर्स्ट टाइम करूँगा। बड्डी साहब पहले कर चुके हैं तो अब देखते हैं कि कैसा होता है। ये ओरिएंट ट्रेन की तरफ हम बढ़ते हुए, सब्वे सर्फ वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ से नीचे का व्यू माशाल्लाह यार प्यारा है। ये भाई टिकट्स लेने गए यहाँ पे। What? साथ लेके आना ना। ये आ गई ऑरेंज ट्रेन यार, पट्टी मजेदार फीलिंग आ रही है यार। व्यू देखते हैं, यार यहाँ पे तो घर हो गया ना। यहाँ पे खड़े होके जाना। ट्रेन की स्पीड है यार, पता लग रहा है बाद में। क्या साढ़े नाल रस्ते पे आ गए भाई, हम लोग इस तरफ जाना है, इस तरफ आ गए। चला यार, बड़ी स्पीड होती है यार इस ट्रेन की। ये स्ट्रोक्स होते हैं, हमने इस तरफ यूईटी पे जाना है, पहले हम इस तरफ चले गए थे। दूसरी लिफ्ट लेनी। हम लोग यूईटी पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटी, बाकी अंदर जाते हैं और अंदर के सीन दिखाते हैं। ये एडमिन ब्लॉक, ठीक है। अभी यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। पट्टी साहब क्या डॉक्यूमेंट आपको क्या लगेगा, एक्सेप्ट कर लेंगे? कर लेंगे। नंबर कितने आएंगे? नंबर चेक करते हैं। चला देते हैं। ओके यार, मैं आपको बताता हूँ इस वक्त हम यहाँ पे आए क्यों हैं। थोड़े दिनों पहले ना यूईटी में ईकेट का टेस्ट हुआ था, हमने वो दिया था, उसमें चाहिए थे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। कई मतलब इन्होंने ना सेक्शंस में डिपार्टमेंट्स में ना एक्सेप्ट कर लिए जो कॉपीज थी वो कई में, और मेरी किस्मत ख़राब थी और पट्टी साहब की भी, तो हमारे नहीं हुए। इस तरह काफ़ी बच्चों के नहीं हुए, और भी बच्चे काफ़ी आए हुए हैं। तो उन्होंने ना कहा कि आप टेस्ट दे दें, ठीक है, लेकिन ना आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ला के दिखाने हैं। हमने कहा अभी ड्रामे काड़े होंगे टीटो पार्टियाँ, इन्होंने हमारा रिजल्ट ही नहीं दिया। अबे साले दिया, तो इसलिए हमें स्पेशल आ जाना पड़ा। तो अभी हम आए हैं, हम डॉक्यूमेंट्स लेके अंदर गए हैं, तो उन्होंने कहा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप ले हैं, ठीक है, अब इसकी कॉपीज़ करा के लाएँ और एडमिट कार्ड की कॉपीज़ वगैरह, तो फिर हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो अब कॉपी करवाने जा रहे हैं, तो फिर देखते हैं कि क्या बनता है, अलग अलग रिजल्ट सही आ रही यार। अभी कैंटीन तो हो रखी, अब लोग बनाए, अभी फ़ोटो कापी करवानी है, आके दिखाते हैं आपको। फ़ोटो कापीज करवाने हैं, ये देखेंगे। ये यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग के लिहाज से ना मतलब टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के लिहाज से आती है, ठीक है, और बाकी का पता नहीं। भाई नौशान भाई हैं, तो आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट। ये यूईटी के स्टूडेंट हैं? यूईटी सेशन 21 है मेरा, और ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट। तो सर आपको मैं ये पूछूंगा कि मतलब किस तरह का है यूईटी का माहौल, और यहाँ पे आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? यार यूईटी का माहौल तो अच्छा है, क्योंकि देखो इसकी एक रेपुटेशन बनी हुई है। ये 1921 में यूनिवर्सिटी बनी थी, और इसको तकरीबन 103 साल हो गए इस यूनिवर्सिटी को। और इसका मेन मतलब यही है कि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग पहले करवाती थी, और उसके बाद ऐसे ऐसे ये शुरू हो गई है। तो अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है ना, तो आप यूईटी को प्रायोरिटी दें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर यूईटी ब्रांड है। और अगर आप मेडिकल कर रहे हैं तो मेडिकल में किंग एडवर्ड है।
और इंजीनियरिंग में यूईटी है, तो आप यूईटी में एडमिशन लें। और सीएस के लिहाज से कौन सी बेस्ट होगी? या सीएस के हिसाब से आप अगर आपने करना है ना, तो वैसे डिफरेंट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी बेस्ट हैं। इसके अलावा क्या नाम है, यूईटी के अंदर भी अगर करना चाहें तो इसमें भी बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, उनका मेरिट भी बहुत हाई है, सीएस का बहुत हाई मेरिट है, तो उस हिसाब से अच्छा डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं। तो ई कैट के लिहाज से हमें ई कैट की कितनी परसेंटेज चाहिए होती है सीएस में एडमिशन लेने के लिए? यार ई कैट में अपने 70% लेने होते हैं और एफएससी आपकी 30% होती है, तो टोटल आपके अगर परसेंटेज अगर एग्रीगेट 70-75 से अबव चला गया ना, तो आपका यूटी में एडमिशन हो जाएगा। भाई अभी मैंने आपको एक रील दिखाई है, उस पर आपने क्या कहा? कौन सी रील? वो स्टूडेंट वाली, फाइन वाली। हाँ वो तो मैंने देखी थी आपकी रील, वो काफ़ी आपकी मतलब फेमस हुई थी, आपकी वायरल गई थी आपकी। यार मैं भाई से फर्स्ट टाइम मिलूँ, ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, सीनियर है, मैंने कहा चले आगे थोड़ी बातें वगैरह करते हैं, मैं वहाँ पे रिजल्ट में भी टाइम था, तो भाई बता रहे पहले की डील भाई ने देखी है, चेक करें आपके भाई का लेवल, यूनिवर्सिटी से गए। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो आपकी वॉच अच्छी लग रही है। एक्चुअली ना मुझे वॉचेस का शौक है, तो ये किस मतलब कंपनी की है, किस ब्रांड की है? आई थी, मेरे मामू आए थे जर्मनी से, हाँ बेसिकली इटली से आए थे, जर्मनी इटली में गए थे, इटली से वो जर्मन आए थे जी। तो वो उनके हाथ में ये वॉच थी, तो वो जब वो वापस जाने लगे थे ना, तो वो सारे तैयार श्यार हो गए थे, बैग उनका पैक था, उन्होंने वॉशरूम जाना था, वो वॉशरूम जाते वक्त उन्होंने अपनी वॉच उतार दी, जैसे उन्होंने वॉच उतारी तो वो ना जब वॉशरूम में थे तो गाड़ी आ गई नीचे, जो गाड़ी जब आ गई तो वो वहाँ वॉच अपनी भूल गए, जैसे वो चले गए। शॉर्ट बाइक को चंदे में मिली है। भाई वॉच दिखाइएगा थोड़ा सा फोकस करें, जबरदस्त। भाई यार ये जो आपकी रिंग है ये भी बहुत अट्रैक्ट कर रही है। ये जो है ना नग है, ये असल ये पत्थर है, और ये है अकीक है, ठीक है, अकीक है, और ये मुझे ना एक मिनट सिर्फ बट्टी भैया आपको पता है ये अकीक क्या होता है? अकीक का नहीं पता। ये ना मुझे बड़ा शौक था, तो मेरा एक दोस्त है वो ना सैयद है, तो वो ज़ियारत पे गया था करबला, तो ये वहाँ से मेरे लिए तोहफा लेके आया, करबला ईरान में। आपका नाम क्या था? मेरा नाम है मोहम्मद नौशाद। नौशाद, यार पहले मुझे लगा था नौशान, तो इसका मतलब क्या है यार? नौशाद का मतलब होता है नई खबर। नई खबर, नई खबर, यूनिक नेम है मेरा, पाकिस्तान में सिर्फ 5-6 लोगों को मिलेगा जी, उसको मैच मिले, हाँ सब कुछ मिलेगा, बढ़िया हर चीज़ मिलेगा। ये जो रोड है ना सीधी जो बैठ जा रही है जी जी, ये रोड बिल्कुल सीधा आपको जनत रोड मिलेगी, वहाँ पे जनत रोड इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है। अच्छा, इससे आपने कोशिश नहीं की इसलिए दिख रहा है भैया चेयर्स खाली। नो गॉड प्लीज नो नो, हमारी क्लास में भी कोई लड़की नहीं है, इस वजह से हम छड़े जाने। अच्छा यार ये क्या, ऑटोमोटिव में आओगे तो वहाँ पे लड़की में क्या काम है, इतनी हैवी मशीनरी होती है, इंजन काम नहीं नहीं, सीएस में होती है, सीएस में लड़की ज़्यादा होती है, अगर यहाँ पे आगे डिपार्टमेंट है आर्किटेक्चर में लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ होती है। बस जानना हो गया, ओके सर थैंक यू। रिजल्ट उन्होंने कहा 12 बजे तक ना वो कर देंगे, ठीक है, ऑन एयर कर देंगे 12 बजे तक, ठीक है। अभी सीन ये है कि अभी वही खेल के आए लूडो, भाई मज़ा आया लूडो खेलने में। तौबा, भाई यार मेरी बात सुनो, हम गए सीनियर्स के पास, ठीक है, वो आपको मैंने ब्लॉग में लिखा होगा, वो भाई हमारे एक अच्छे दोस्त बन गए, ठीक है, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, मज़ा आया, तो बात साथ में ना फिर वो कुछ लोग लूडो खेल रहे थे, तो हमने जाके भाई ने मशवरा दिया कि जाके पूछो लूडो हम साथ खेल लें, हमने पूछा, उन्होंने खिला लिया, और फर्स्ट मैं आया, सेकेंड वो आया, और बाकी वो थर्ड और फोर्थ बॉल हो गए, वो हार गए। ब्रो यू नो विनर्स चैंपियंस बाहर से आ गए, और यार मुझे इतनी हैरानगी हुई यहाँ के वो भाई कहते हैं, मैंने आपकी वीडियोस देखी है, ये वाली मैंने देखी थी, मैंने क्या बात है यार, देखो भाई के लेवल को देखो। अच्छा अभी ये ही है, अल्लाह करे ईकेट का रिजल्ट अच्छा है, वरना ईकेट 2 में तो अप्लाई करना ही है, उसमें अभी टेस्ट अच्छा देना है, तो अभी घर के लिए निकलते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ सारा साथ। तो यूनिवर्सिटी अभी हम लीव कर रहे हैं, ठीक है, मज़ा आया, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम यहाँ पे आए सर पे बिल्कुल, ठीक है, बस उस लोगों के एग्ज़ाम अच्छे दे दें और मार्क्स अच्छे आ जाएँ तो फिर मज़ा आ जाएगा यार, ठीक है, बाकी अल्लाह बेहतर करें।
from the left side. पर्सनली बताऊँ, मैंने अपना व्लॉगिंग पे ध्यान बिल्कुल हटाया हुआ है, ठीक है। मतलब मैं यूट्यूब पे खुद थोड़ा फोकस लो किया हुआ है, काफ़ी लो किया हुआ है यार। सिर्फ डेढ़ दो महीने हैं यहाँ पे, मतलब स्टडी को थोड़ा सा टाइम दे लें। अगर ये गुजर गया ना, फिर हमने यही करना है, ज़िंदगी पड़ी है यही करना है, ठीक है, फिर देख लेंगे। स्टे ट्यून्ड विद मी। सो गाइज, अभी मैं घर पर आ चुका हूँ, ठीक है। 12:30 बिल्कुल मैं घर पर पहुँच चुका था, और यकीन जाने मैं 24 घंटे से ज़्यादा, मतलब एक पूरा दिन जागा हूँ। क्योंकि जिस टाइम पे मैंने सोना था, 6 बजे मैं सुबह सोता हूँ, उसी टाइम पे मैंने यूनि जाना पड़ा, और आया हूँ, मेरी हड्डियाँ लिटरली टूट रही थी, ठीक है, मैं सो गया हूँ। तो उसके बाद फिर मैं उठूँ यार 5 बजे, जोहर की नमाज़ मैंने कज़ा करके पढ़ी है, फिर असर की पढ़ी है, फिर रोज़ा अफ्तार किया, मगरिब की नमाज़ पढ़ के आए, तो फिर मैं आपके साथ अब व्लॉग कर रहा हूँ। सो गाइज, आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।